कन्वीनर प्रोफेसर सुनील कुमार जी, सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, विषय विशेषज्ञगण और देश के लगभग एक दर्जन राज्यों से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय संगोष्ठी और एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर आयोजित करने के लिए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और उन सभी संबंधित संस्थाओं को जिस राष्ट्रीय संगोष्ठी को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977-78 में एक बीमारी आई थी और 1977-78 से 2017 तक 40 वर्षों में इस बीमारी से 1 से 15 वर्ष तक के 50,000 बच्चों की मौतें हुई थी। बीमारी का नाम आप सब जानते हैं इंसेफ्लाइटिस था, मस्तिष्क ज्वर। भारत के अंदर वैक्सीन 2005 में आया लेकिन वैक्सीन का विकास जापान में 1905 में हो गया था। लेकिन भारत के अंदर जब वैक्सीन आया या वैक्सीन का जो निर्माण होता भी था एक पुरानी पद्धति से होता था, मात्र वर्ष में 3 लाख वैक्सीन की डोजेस बनती थी और जितनी बड़ी आबादी थी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे याद है जब सांसद के रूप में देश की संसद में मैंने इस मुद्दे को बार बार रखा तो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक दिन मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि आपको मैं खुशखबरी दे रही हूं। तो मैंने सोचा कोई खुशखबरी बहुत अच्छी होगी, मैंने कहा बताइए क्या है। उन्होंने कहा देखिए आपको 1 लाख वैक्सीन की डोजेज हम दे रहे हैं इंसेफ्लाइटिस के लिए। तो मैंने कहा इससे क्या होगा। कहा इसको आप अपने गोरखपुर में ले जाकर के उन परिवारों में लगाइए, उन 1 से 15 वर्ष के बच्चों पे लगा सकते हैं। मैंने कहा आपको मालूम है पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है, 3 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ की आबादी ये गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की है। तो ये पाटन कमिश्नरी को मैं नहीं ले रहा हूं और इसमें भी अगर 1 से 15-16 वर्ष के बच्चों की हम देखेंगे तो लगभग 1/3 आबादी है, 1 करोड़ बच्चों के।